नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि चपटे और आज हम देखेंगे लिंग किसे कहते हैं और पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के नियम। लिंग किसे कहते हैं? तो संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, बैल, गाय आदि। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है और स्त्रीलिंग शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है। अब हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के नियम देखेंगे। पहला नियम है, कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत में बदल दिया जाता है। जैसे चार्ट में देखो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं। पहला पुल्लिंग शब्द है शिष्य। शिष्य यह आकारांत शब्द है और उसका स्त्रीलिंग रूप शिष्या हो जाता है, यानी आकारांत हो जाता है। सदस्य, सदस्या। महोदय, महोदया। छात्र, छात्रा। प्रिय, प्रिया। कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम अक होता है। उन पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बनाते समय अक का इका कर दिया जाता है। जैसे संपादक, संपादिका। गायक, गायिका। लेखक, लेखिका। सेवक, सेविका। शिक्षक, शिक्षिका। कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बनाते समय अंत में आनी या आनी प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे नौकर, नौकरानी। जेठ, जेठानी। देवर, देवरानी। क्षत्रिय, क्षत्रानी। इंद्र, इंद्रानी। कुछ पशु पक्षियों तथा अन्य आकारांत पुल्लिंग नामों के अंत में स्त्रीलिंग बनाते समय नी लगाया जाता है। जैसे शेर, शेरनी। मोर, मोरनी। ऊंट, ऊंटनी। राजपूत, राजपूतनी। चोर, चोरनी। कुछ पुल्लिंग शब्दों का अंतिम अ अथवा आ स्वर स्त्रीलिंग बनाते समय ई में बदल दिया जाता है। जैसे देव, देवी। लड़का, लड़की। नट, नटी। चाचा, चाची। हिरण, हिरनी। उसी के साथ बेटा, बेटी। दास, दासी। काला, काली। व्यवसाय सूचक तथा कुछ अन्य पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बनाते समय अंत में इन प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे माली, मालिन। सुनार, सुनारी। धोबी, धोबिन। मालिक, मालकिन। बाघ, बाघिन। सम्मान सूचक पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बनाते समय अंत में आइन प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे चौधरी, चौधराई। पंडित, पंडिताइन।
हलवाई हलवाई, ठाकुर ठकुराई, गुरु गुरुआई। जिन संस्कृत पुल्लिंग शब्दों के अंत में मान या वान प्रत्यय होता है, उन शब्दों का स्त्रीलिंग बनाते समय मान प्रत्यय मति में और वान प्रत्यय वती में बदल दिया जाता है। जैसे श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, आयुष्यमान आयुष्यमती, गुणवान गुणवती, पुत्रवान पुत्रवती, भाग्यवान भाग्यवती। कुछ संस्कृत इकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई प्रत्यय होता है और स्त्रीलिंग बनाते समय ई का इनी किया जाता है। जैसे विद्यार्थी विद्यार्थिनी, तपस्वी तपस्विनी, तेजस्वी तेजस्विनी, स्वामी स्वामिनी, मनस्वी मनस्विनी। कुछ पुल्लिंग शब्दों का अंतिम स्वर आ होता है, उन शब्दों का स्त्रीलिंग बनाते समय आ स्वर इया में बदल जाता है। जैसे बूढ़ा बुढ़िया, चूहा चूहिया, कुत्ता कुतिया, बेटा बिटिया, गुड्डा गुड़िया। कुछ संस्कृत पुल्लिंग शब्दों का अंतिम वर्ण ता होता है, उन शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बनाते समय ता वर्ण त्री में बदल दिया जाता है। जैसे अभिनेता अभिनेत्री, श्रोता श्रोत्री, विधाता विधात्री, रचयिता रचयित्री, नेता नेत्री। जब कुछ पुल्लिंग शब्द प्राणियों की जाति बताते हैं, तब उन शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए उन शब्दों में नी प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे शेर शेरनी, हंस हंसनी, मोर मोरनी, हिंदू हिंदुनी, चोर चोरनी। कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप अनियमित होते हैं, मतलब उल्टे होते हैं। वह स्वतंत्र रूप से स्त्री पुरुष के स्वयं में ही जोड़े जाते हैं। जैसे राजा रानी, पिता माता, बैल गाय, कवि कवयित्री, नर मादा। धन्यवाद।